प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत को बहुत सारे स्टेप्स आगे लेकर जा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की बात ही नहीं बहुत सारे अगले लेवल्स की बात है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 10 साल हो चले हैं भारत को चलाते हुए एज हेड ऑफ द स्टेट अब भारत ग्यारहवीं इकॉनमी से पाँचवीं इकॉनमी के लेवल पे आ चुका है और पांचवी से तीसरी इकॉनमी के रस्ते पर है और ये बात की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात के रीसेंट समिट में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क्लिप देखते हैं जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात के समिट में बातचीत करते हुए कहा और फिर हम बात को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे आज भारत दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दस साल पहले भारत इलेवंथ पर था आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी में जाएगा दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे मेरी गारंटी है हो जाएगा भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है जब भारत अपनी आजादी के सौ वर्ष मनाएगा तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है ये नए सपने नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है इस अमृतकाल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है इस समिट में आए सौ से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आज भारत दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दस साल पहले भारत इलेवंथ पर था आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी में जाएगा दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे मेरी गारंटी है हो जाएगा <laughs> एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखा वो ये कहते हैं कि अगर एनालिसिस करने वाले अपने टेवे लगाना चाहते हैं तो लगाते फेरे मेरी गारंटी है कि हो जाएगा क्या हो जाएगा यानी भारत पाँचवीं इकॉनमी तो ऑलरेडी बन चुका है इसमें कोई टेवे वाली बात नहीं कोई एजम्पन वाली बात नहीं ऑलरेडी हो चुका है चौथा इकनॉमिक उसका जो लेवल है वर्ल्ड में वो हुआ चाहता है और तीसरा भी कुछ बरसों में हो जाएगा और वो ये कहते हैं कि मेरी गारंटी है हो जाएगा इसीलिए तो मोदी जी के बारे कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है ये जुमला कोई ऐसे ही हवा में नहीं किसी ने बनाया या उछाला ये रियलिटी है आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखी उनके लफ्ज़ों के अंदर से बोलती सच्चाई को महसूस किया और वो क्यों इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं इसलिए कि ही हिमसेल्फ इज़ अ सेल्फ़लेस मैन इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए अगर उनको अपनी जात के लिए कोई प्रोजेक्शन चाहिए भी होती है तो वो भी भारत देश के लिए होती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात का ये समिट कई सालों से कर रहे हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं आज के यानी रीसेंट समिट के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो बदलती हुई दुनिया है उसमें इसको पहले बड़े समिट के तौर पर देखा जाएगा अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी अहम बातें की इस मुख्तर सी तकरीर में उन्होंने कहा कि आज़ादी के पचहत्तर सालों बाद भारत यहाँ पहुंचा है और अगले पच्चीस साल का उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया है एक विज़न दिया है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ डिलीवर ही नहीं करते बल्कि विज़न भी देते हैं और उस विज़न के बारे फिर वो कहते हैं कि मेरी गारंटी है ऐसा हो जाएगा और वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो अमली तौर पर होगा इसीलिए भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट भी भारत की जनता भी और पूरी दुनिया के लीडर ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है ये बात सदर बाइडन से लेके भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट तक सब दोहराते रहते हैं अब भारत के सबसे बड़े या सबसे अहम इंडस्ट्रियलिस्ट साहूकार बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी ने इसी समिट में क्या कहा वो भी हम आपको एक झलकी की सूरत दिखाते हैं Who has emerged as the greatest global leader of our times, and he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history, most respected Shri Narendra Modi ji. When you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of this slogan? मिलियंस ऑफ इंडियंस आर चांटिंग मोदी है तो मुमकिन है आई टेल देम इट मीन्स इंडिया प्राइम मिनिस्टर मेक्स द इम्पोसिबल पॉसिबल विथ इज विजन डिटर्मिनेशन एंड एग्जीक्यूशन दे एग्री एंड दे ऑल्सो से मोदी है तो मुमकिन है जी अभी आप मुकेश अंबानी जी की बात सुन रहे थे वो कहते हैं कि दुनिया उनसे पूछती है कि भारत में क्या जादू की छड़ी है तो वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है मोदी के हवाले से उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल तो ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जादू की छड़ी ये सिर्फ जादू की छड़ी नहीं है वो तो कहने की हद तक जुमला है इनफैक्ट ये करने वाला काम है उन्होंने एज़ प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पास टेन ईयर्स साबित करके दिखाया डिलीवर करके दिखाया इससे पहले वो इसी गुजरात में जहाँ वाइब्रेंट गुजरात का समिट इस साल हो रहा है इसी गुजरात को उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप में वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक पहुँचाना मुमकिन नहीं था मगर उन्होंने मुमकिन कर दिखाया अब भारत बहुत ही नुमाया मुल्क है मैं रिसेंटली वी एस नाइपॉल की किताबें दोबारा से पढ़ रहा था और वी एस नाइपॉल की वो जो किताबें हैं ज़्यादातर नाइनटीन सिक्सटीज से नाइनटीन सेवेंटीज़ में लिखी हुई हैं उन किताबों में वो बड़े दुख से बताते हैं कि इंडिया अवडेड सिविलाइजेशन या वो ये कहते हैं कि भारत क्यों इतना पीछे रह रहा है क्यों पावर्टी है क्यों वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही तो मेरा जी चाह रिसेंटली उनको पढ़ते हुए कि काश वी एस नायपॉल आज जिंदा होते और भारत के हवाले से जो 40-50 साल पहले इम्प्रेशन था वोडेड सिविलाइजेशन का या पीछे रह जाने का वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो वाला जो एक दुख था वो खत्म कर दिया मैं क्रेडिट देता हूं नरसिम्हा राव से मनमोहन साहब को भी उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए मगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जंप दिया है ड्यूरिंग द पास्ट टेन ईयर्स में सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे नहीं अपनी जनता की अपलिफ्टिंग के हवाले से नहीं वर्ल्ड स्टेज पे भारत को जिस तरह आन खड़ा किया है अपनी बेहतरीन टीम चाहे वो फॉर्म मिनिस्टर जयशंकर जी हों चाहे अजय डोवाल जी हों चाहे अमित शाह हों चाहे उनकी टीम के कोई भी साथी हों उन सब की मदद से उन्होंने हर वॉक ऑफ लाइफ में भारत को उस स्टेज पे खड़ा किया है कि अब भारत के लिए सभी गले और बाहें अपनी फैलाए वर्ल्ड लीडर बैठे हुए हैं आप देखिए जिस तरह भारत में यूएई के प्रेसिडेंट पहुंचे और जिस तरह की बातें उन्होंने की उसकी एक झलक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सदीकी वाही العزيز رئيس الوزراء الهندي على دعوته الكريمه لحضور هذه القمه التي اسسها هو شخصيا عام 2003 واصبحت منصه عالميه لتبادل الخبرات والمعلومات حول تطوير الاقتصاد والاستثمار واهنيكم دوله الرئيس بمناسبه مرور عشرين عام على هذه الانطلاقه سيدي نحن سعداء جدا بالمشاركه مع اصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمه لنبعث جميعا ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا इस तस्वीर में आपने देखा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एम बी जेड एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैसेज है एक इस्लामी देश के हेड ऑफ द स्टेट का कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कितना चाहते हैं जब मैं कभी साउथ एशियन मुस्लिम्स की तरफ से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए डेरोगेटरी लफ्ज सुनता हूँ तो मुझे दुख होता है मुझे अंदाज़ा होता है कि बेचारे साउथ एशियन मुसलमान जो हैं वो तो पक्के मुसलमान ही नहीं हैं क्योंकि इस्लाम बहरहाल अरब सिविलाइजेशन का हिस्सा है अरबों को ना कभी माजी में हिंद के साथ कोई मसला था और ना आज है आज भी यू ए के एम बी जेड हों सऊदी अरब के एम बी एस हों ये गले मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ना सिर्फ गले मिलते हैं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए सिर्फ मैं दो बड़े इस्लामिक देशों के लीडर्स की बात ही नहीं कर रहा आप उमान के लीडर की बात देख लीजिए किसी भी इस्लामी देश आप इजिप्ट के लीडर की बात देख लीजिए जो अरब सिविलाइजेशन के देश हैं उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए और हिंद के लिए यानी भारत के लिए कितना रेविरेंस है ये हैं इस्लाम के असल कस्टोडियन देश और ये जो मालदीव पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश में कुछ रहने वाले मुसलमान और कुछ इवन भारत के मुसलमान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को धर्म की वजह से डरागेटरी लफस भरते हैं ये एक्चुअली मेरी नज़र में ठीक से मुसलमान ही नहीं हैं इनको अपने इस्लाम को ठीक करना चाहिए जो रीत रवायत हमेशा से अरब की रही है हिंद के लिए भारत के लिए जो आज भी है मॉडर्न अरब में भी जो भारत के लिए है उसकी आप ये झलक देख सकते थे जो आपने देखी ये है अरब सिविलाइजेशन इस्लामिक सिविलाइजेशन की मोहब्बत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भारत के लिए इसीलिए उनका और भारत का तजारती रिश्ता भी सकाफती रिश्ता भी कारोबारी रिश्ता भी बहुत उम्दा जा रहा है अब मैं यू के ही एक बहुत अहम लीडर का वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूं सुल्तान अहमद बिन सलेम ये एक बहुत बड़ी कंपनी के ग्रुप चेयरमैन हैं और ये भारत के साथ अपने

To India because India has better facilities, uh, better engineers, uh, global reach. India's reputation as a market and as a trade partner is well respected around the world. Uh, we are also discussed about uh, specific areas and lands around the world, in Africa mainly, for Indian entrepreneurs to manufacture Tanzania, Kenya, uh, Senegal, Nigeria, Central Africa. ईस्ट अफ्रीका एंड दिस इज समय अभी आपने वीडियो क्लिप देखा सुल्तान अहमद बिन सुलेम का उन्होंने खुल के बातें की कि भारत के साथ मिलकर वो किस तरह भारत यू ए अरब वर्ल्ड और अफ्रीका की तजारती कार्रवाइयों को कारदगियों को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं ये है अरब सिविलाइजेशन के रिश्ते नाते हिंद के साथ भारत के साथ ये है अरब सिविलाइजेशन की इस्लामिक लीडरशिप की मोहब्बतें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भारत के लिए अभी मैंने पीछे कहा था कि ये अब सोचने समझने वाली बात है साउथ एशियन मुस्लिम लीडरशिप के लिए साउथ एशियन आवाम के लिए इंक्लूडिंग जो मुसलमान भारत में बसते हैं जो खाम खा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अटैक करते हैं वो सभी मुसलमान नहीं कुछ उनकी स्मॉल परसेंटेज वट एवर नंबर इट इज़ तो जो असल इस्लाम के कस्टोडियन हैं उनका क्या रेवरेंस है हिंद के लिए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इस पे मैं आने वाले दिनों में व्लॉग करूंगा कि अरब सिविलाइजेशन का इस्लाम जो ओरिजिनल इस्लाम है उसकी रेवरेंस हिंद के लिए बहुत उम्दा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत उम्दा है लेकिन जो साउथ एशिया के मुसलमान हैं चाहे वो मालदीव के हों चाहे वो पाकिस्तान बांग्लादेश वो जो अपना डिसरिस्पेक्टफुल रवैया रखते हैं वो ज़रा सोचें कि वो कितने अच्छे मुसलमान हैं उनको इस्लाम की कितनी समझ बूझाए इस्लाम का उनसे कम तल्लक है इस्लाम का असल तल्लक अरब सिविलाइजेशन के साथ ही है ये मेरा बहुत ओरिजिनल थीस है इस पर मैं आने वाले दिनों में खुल के बात करूँगा खैर अब वाइब्रेंट गुजरात की तरफ हम चलते हैं और मराकों के इंडस्ट्री मिनिस्टर की भी आप सुनिए बातें वो क्या कहते हैं Sri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. I am deeply grateful for your gracious invitation extended to me by the government of Bharat. It was a friendly interaction. Prime Minister is an inspiring leader, and it was an honor uh, for me to have this interaction with such a leader. We have a strategic partnership. The two countries in the last eight years multiplied by three the exchanges signed more than forty five MOUs and the best is yet to come. Morocco's Industry Minister Mr Riadne baatein thinking. जो सभी कह रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात में और ऐसा नहीं कि को कोई ये बातें फॉर्मल होती हैं इस तरह की बातें की जाती हैं एक एनवायरनमेंट है ना सिर्फ वाइब्रेंट गुजरात के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर और वो भी यही कह रहे हैं मराको के इंडस्ट्री मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंस्पायरिंग हैं इम्प्रेसिव हैं अब भारत के एक और बड़े बिजनेसमैन गौतम अदानी जी क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से इसी वाइब्रेंट गुजरात समिट में कुछ जुमले उनकी जबानी भी सुनिए वाइब्रेंट गुजरात इज अ स्टनिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन इट हैज ऑल योर होम होलमार्क सिग्नेचर्स मर्जिंग ग्रांड एम्बिशन मैसिव स्केल

अपने बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स हों चाहे अरब दुनिया के लीडर्स हों सभी इस मौका पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और भारत की तरक्की को समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि भारत किस तरह नेक्स्ट लेवल्स पे मज़ीद जा रहा है हमने अरब लीडरों के भारतीय बिज़नेस टाइकॉन्स के आपके साथ कुछ सैम्पल्स शेयर किए अब कुछ यूरोपियन वेस्टर्नर्स के भी सैम्पल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इसी सिलसिला में एक बहुत बड़ी कंपनी एपी मॉलर मार्क्स के सीईओ मिस्टर कीथ क्या कहते हैं आइए देखते और सुनते हैं Great honour to have the opportunity to discuss with his uh, the honourable prime minister. Very inspiring. I was very impressed with, the, with his uh, knowledge about the the, the details of, um, of of our industry. <music> to have the opportunity to discuss with his uh, the honourable prime minister about uh, his. Uh, 2047 vision for the country and how that feeds into uh, the maritime sector. Um, and uh, for us, it is very exciting to have the opportunity to discuss that with the Prime Minister. And I must say, uh, very inspiring. Jo Bharti leader kare hai, Jo Bharti businessman kare hai, Jo Arab businessman kare westerners kare hai. Inspiring, impressive. तो ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अब तक का सियासी सफ़र जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रोजेक्शंस यही हैं कि अगली सरकार भी मोदी सरकार ही बनती नज़र आ रही है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में साफ कहा था कि ये मेरी गारंटी है कि ऐसा होगा उन्होंने बताया था कि 10 साल पहले ग्यारहवीं इकॉनमी था भारत और आज पाँचवीं है और चौथी बनने को है और तीसरी के रास्ते पे है तो ये है रियलिटी। इसको वेस्टर्नर्स भी महसूस कर रहे हैं और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है भारत में उसको भी महसूस कर रहे हैं अ पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इंटरनेशनल Chairman, Mr. Mark, kya unki zubani, jo Vibrant Gujarat, Summit me kaha. India is an extremely good country to produce hydrogen. That is good to be able to meet at Vibrant Gujarat and meet the, the different parties that make the hydrogen here and want to bring it over to Europe. Gujarat is, is one of the biggest ports here. Uh, and we're in close contact with them. It's a highly appreciated contact uh, with good people. As um, there are other uh, ports in India, and I believe the government has a very strong view on how to develop hydrogen in India. We see that India is in a very important country. It's, uh, it's, it's to the port of Rotterdam International a priority country. That is very strategic. That we're here with a purpose. It is how can we further encourage trade. Um, इस व्लॉग के आखिर में मैं भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर अश्विनी जी की एक वीडियो क्लिप चलाना चाहूँगा समअप करते हुए आज की बातचीत जो बातें वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं बिजनेस लीडर्स कह रहे हैं उनको भारत कैसे फैसिलिटेट फर्दर करना चाहता है इस पर थोड़ी सी रोशनी और डाली है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर ने गुजरात इज ए स्टेट विच एज टेकन अ वेरी बोल्ड स्टेप ऑफ सेटिंग अप अ थाउजेंड मेगावाट ग्रीन पावर हब ग्रीन पावर क्लस्टर टूडे दर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन पावर हब और अ क्लस्टर और अ प्लांट क्लस्टर इज ऑफ दर ऑफ फाइव टू सेवन थाउजेंड मेगावॉट दिस विल बी थर्टी थाउजेंड मेगावॉट इन वन सिंगल लोकेशन आर एन डी फॉर वाइब्रेंट गुजरात ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का समिट एक बहुत ही माइल्ड स्टोन किसम का समिट रहा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड स्टेज पर एक बार फिर अपने आप को मनवाया और इसके साथ साथ सौ से ज़्यादा मुल्कों के बिज़नेस लीडर्स पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पे पहुँची हुई थी और उन सब ने देखा कि किस तरह भारत हर साल एक कदम आगे नहीं दो कदम आगे नहीं दस कदम आगे जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विज़न है कि आइंदा पच्चीस साल के अंदर भारत को डेवलप्ड नेशंस के लेवल पे लाना है मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी और उनकी टीम और उनके बाद आने वाले लोग भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी ये काम कर दिखाएंगे और भारत इसी तरह ना सिर्फ तीसरी बड़ी इकानमी तो जल्द बन ही जाएगा जो एक यूनिक सिविलाइजेशन का मुल्क है वो ऑलरेडी अपनी सिविलाइजेशन की हैसियत इस प्लेनेट पर रखता है वो सिविलाइजेशन वो तरक्की भारत की जनता को एक डवेल्प नेशन के लेवल पे ज़रूर लेकर आएगी आज का व्लॉग मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप टैग टी वी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.